मेरा नाम तहसीन शमीम है और मैं एज़ अ लीड SQA एनालिस्ट कॉन्टोर में काम कर रहा हूँ। अपने सफ़र का आगाज़ करूँ तो 2013 में मैंने कॉन्टोर ज्वाइन किया था और उसमें पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में एज़ अ सीनियर SQA एनालिस्ट मैं हायर हुआ। वहाँ पे 7 साल मैंने काम किया जहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर्स के थ्रू, अपने लीड्स के थ्रू। तहसीन के बारे में कोई चीज़ शेयर कर सकूं तो ये कि मतलब तहसीन चीज़ों को क्वेश्चन करता है, ऐसा नहीं होता कि वो फॉर ग्रांटेड ले ले या कंप्लेसेंट हो जाए चीज़ों में, और उसी लिए जो है वो हमारी काफ़ी चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन ऐसी हुई कि जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। और आई हैव ऑलवेज फाउंड कि जी तहसीन जो है वो क्वेश्चन करने के साथ जो है वो सामने वाले का ओपिनियन रिस्पेक्ट भी करता है, समथिंग जो इतनी कॉमन नहीं रही सोसाइटी में भी। और समवन लाइक तहसीन जो QA डोमेन से है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा ट्रेड है कि वो क्वेश्चन भी करे और जो है वो अग्री टू डिसअग्री भी करे। कॉन्टोर जो एक मैं कहता हूँ कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मुझे भी अपने मैनेजर्स और लीड्स के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली। आफ्टर 7 ईयर्स एक नया डिवीज़न ओपन हो रहा था जो कि पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग की सब्सिडियरी थी, तो वहाँ पे मैंने एज अ टीम लीड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि वहाँ पे QA डिपार्टमेंट नहीं था, तो वहाँ पे नए सिरे से पूरा QA डिपार्टमेंट को बनाया, वहाँ पे QA प्रोसेसेस बनाए, अपनी टीम खड़ी की। वर्किंग विद तहसीन शमीम इज़ ऑलवेज फन। वो उनके साथ काम करते हैं तो बहुत बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, बहुत बहुत लाइट रखते हैं वो अपने टीम मेट्स के साथ जो भी उनका इंट्रैक्शन होता है। उसके अलावा वो हमेशा प्रमोट करते हैं कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें, नई चीज़ें सीखें। 10 साल को अगर मैं कॉन्टोर में अगर समराइज़ करूँ तो एक इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ कॉन्टोर के साथ, कि जिस तरह की स्टेबिलिटी कॉन्टोर प्रोवाइड करता है यहाँ पे शायद ही कोई कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती हो। यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब कि मुझे इन 10 सालों में कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई कि मैं यहाँ पे कोई वर्क प्रेशर हो, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस भी हुई तो मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ कॉन्टोर मैनेजमेंट को कि जिस तरह से हमारे अपर मैनेजमेंट ने हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, हमारी हमेशा वो कंसर्न रहे कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे डिस्कस करें, जो कि हमने डिस्कस किया तो उन्होंने उसको प्रॉम्प्टली रिजॉल्व भी किया। फिर इसी तरह इन 10 सालों में एक हमारे जो दोस्त बने यहाँ पे, जो कुलीग्स बने, उन्होंने हर टाइम पे जब भी हमें कोई वर्क प्रॉब्लम्स हुई या लाइफ प्रॉब्लम्स हुई उसमें हमेशा हमारी बढ़ चढ़ कर हेल्प की है। तो एक तरह की उनसे एक अटैचमेंट है कि वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होगी तो आपके कोलीग्स हो या अपर मैनेजमेंट हो, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तहसीन जो है वो स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट है, और जैसे मैंने बताया लंच में साथ होते थे तो यासिर तनवीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है स्पोर्ट्स में, तो कुछ जगहों पे जो है वो चैलेंज भी कर देते थे कि अच्छा ठीक है फिर चलो मैं तुम्हें टेबल टेनिस में आगे दिखाता हूँ। यह तो ऐसे ही एक फ़नी इंसिडेंट है कि तहसीन ने जो है उसको चैलेंज किया, यासिर ने कहा टेबल टेनिस तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, आप लूडो खेला करो। तो मैंने कहा लूडो में क्या है, मैंने कहा आप खेल के तो देखो। और फिर हमने एक दिन जो है वो अरेंज किया और हमने लूडो खेला, और जब लूडो हमने शुरू किया तो जब उसमें होता है कि जी आप 2 डाइस से खेल रहे हैं और आपके नंबर आए, तो अब जाहिर है जो लूडो काफ़ी फ्लुएंटली खेलता है तो वो तो आपका जो भी नंबर आया डायरेक्टली उधर रख लिया उसने उसको गोट को। और तहसीन वॉज लाइक 1 2 3 4 यहाँ से नहीं करनी, बस रहने दो, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं खेल सकता आपके साथ। तहसीन भाई की अच्छी बात एक ये भी है कि वो हेल्प आउट हमेशा करते हैं चाहे कोई भी मसला हो, क्योंकि हम दोनों साथ ही बैठते थे, हमारी सीटिंग जो है वो साथ ही थी, तो मैं अगर किसी भी चीज़ में फंसता था, क्योंकि वो बीइंग अ सीनियर काफ़ी हेल्पिंग थे वो और अभी भी हैं, तो वो ऑटोमेशन वगैरह के अंदर भी काफ़ी हेल्प करते थे। जहाँ भी फंसता था छोटी छोटी बातों में, मैंने उनको बड़ा तंग किया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा हेल्प किया छोटा भाई समझ के, और बहुत गाइड किया जिससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के
जो जो कि जिसपे कॉन्टोर हमेशा एक टॉप पोजीशन पे रहता है, कि एक यहाँ पे वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वाइल प्रोवाइडिंग द लाइक फैमिली इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको एक एक आपके जो अराउंड जो कुलीग्स काम कर रहे होते हैं वो आपके एक फैमिली की तरह के होते हैं, जो कि आपके हमेशा हेल्प करने को तैयार होते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोई भी बंदा अगर कोई जो कॉन्टोर ज्वाइन करना चाहे तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे न कि सिर्फ आपकी प्रोफेशनली आप ग्रो करते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम होता है, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी टेक्निकल नॉलेज, हर हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो है ना ग्रोथ पे काम होता है। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे, आई थिंक कॉन्टोर इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क।